तारीख के रात को आया मेरे हस्बैंड का, फिर 4 तारीख को डेट करा की 7 तारीख को जब आपके यहाँ आया रात को आया सब कुछ के रिलेशन बना। हाँ, फिजिकल रिलेशन हमेशा बनता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर आज का डेट दिया हुआ था, आज मतलब माला बोले तो रजिस्ट्रार साहब लाने के लिए माला भी आया हुआ है, मेहंदी भी लगा हुआ, सब कुछ है। ये सुबह से रात में भी मेरे पास आया था, मैं बोला कि फोन पे बोल रहा है कि शादी नहीं करो लेकिन हम आजीवन रहेंगे, ऐसे आजीवन 20 रुप से रहेंगे। एक रखेल भी होता है ना, उसका भी रूम मेंटेनेंस देता है, रूम देता है, गाड़ी देता है, उसका हर एक खर्चा देता है। बिहार के सारण जिले के मंडौरा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक महिला डॉक्टर ने अपने प्रेमी वार्ड पार्षद का प्राइवेट पार्ट काट डाला। घटना को अंजाम देने के बाद उसने पुलिस को खबर दी। आइए जानते हैं आरोपित प्रेमिका कौन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बताते चलें, सोमवार 1 जुलाई को प्रेमिका ने प्रेमी को फोन कर घर बुलाया और उसे बेडरूम में ले गई। उसके बाद उसने प्रेमी वार्ड पार्षद का गुप्तांग काट दिया। प्रेमिका का कहना है कि पार्षद ने शादी का वादा किया था लेकिन धोखा देकर उसने दिल तोड़ दिया। इतना ही नहीं, घटना के बाद उसने ही पुलिस को बताया कि वो वेद प्रकाश का प्राइवेट पार्ट काट दिया है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और प्रेमी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया और युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पहले 2 दिन बाद बीच में सैटरडे संडे आ जाता था, 3 तारीख को ये कह दिया कि 1 तारीख को लखनऊ भाग गया, ठीक है शादी करें। 3 तारीख के रात को आया मेरे हस्बैंड का, फिर 4 तारीख को डेट करा की 7 तारीख को रात को आया, रात को आया आपने सब कुछ के रिलेशन बना। हाँ हाँ, फिजिकल रिलेशन हमेशा बनता है। फिर उसके बाद क्या हुआ की ये 4 तारीख को बात हुआ है, मेरा सिपाही कहाँ, 4 तारीख को बात हुआ तो ये क्या हुआ ना कि 7 तारीख का डेट दिया कि 7 तारीख को शादी करेंगे। फिर शुक्रवार को फिर बोला कि नहीं कहीं ये कर दिया। फिर क्या हुआ कि फिर भैया के पास गया, भैया से डेट लिए एक बार फिर मकर में, ठीक है भैया के पास गया तो भैया डेट दिए, नहीं भैया नहीं डेट दी, ये हमारे पास आके बोला ये 28 तारीख को, नहीं बोला कि लास्ट महीना, इस महीना के लास्ट महीना शादी कर लेंगे। फिर लास्ट महीना में आया तो लास्ट महीने का 20 से 25 का, तो 25 से 30 के बीच में कर लेंगे। तो 25 से 30 के बीच में, तो 30 तो संडे था, सैटरडे 29 हो गया, तो 28 के बीच में 28 तारीख को शुक्रवार को फाइनल हुआ। शुक्रवार को किसी कारणवश फिर कैंसिल हो गया, तो फिर आज का डेट दिया हुआ था। आज मतलब माला बोले तो रजिस्ट्रार साहब लाने के लिए माला भी आया हुआ, मेहंदी भी लगा हुआ, सब कुछ है। ये सुबह से रात में भी मेरे पास आया था, झेलना पड़ता है, रात में 12 बजे तक आया था, 12 बजे तक रहा, बोला कि कल रात में रजिस्ट्री ऑफिस खुलवाओ, रात में शादी करेंगे। रात में कौन सा शादी होता है, हर एक नियम कानून है, हर चीज का एक समय है, तो फोन नहीं खुलेगा। रजिस्ट्रार साहब को गाली देख कर रहा कि अभी खुलवाओ, अभी शादी करते रात में 12 बजे, कल रात की बात करनी। सुबह में बोला कि फोन पे बोल रहा है कि शादी नहीं करो लेकिन हम आजीवन रहेंगे, ऐसे आजीवन 20 रूप से रहेंगे। एक रखेल भी होता है ना, उसका भी रूम मेंटेनेंस देता है, रूम देता है, गाड़ी देता है, उसका हर एक खर्चा देता है, वो पर्सनल एक यूज के लिए रखा होता है। किसी का भुगतान करना है तो कानून जुर्म है, तो किसी को बार बार यही करना। मेहंदी लगा हुआ है शादी के लिए, आज क्या बात हुआ था, 3 महीना का शादी का डेट पड़ रहा है, शादी का डेट चेंज कर रहा है, डेट चेंज कर रहा है, उस डेट पर भाग भाग जा रहा है। आज का भी डेट था, आज देखिए मेहंदी लगा हुआ है, शादी करना था, रजिस्ट्रार सबको फोन।